साल फिर मैं खाड़ी में काम कर रही थी एंड आई हैड अ ग्रेट टाइम. ठीक है, मुझे बहुत मजा आया वहाँ पे काम करने में. क्यों? बिकॉज कोई भी एक दिन जो बस मोनोटोनी नहीं थी, एवरी डे वॉज डिफरेंट बिकॉज देर इज सो मच दैट हैपन्स देर एंड 99% आर वुमेन. एंड द फन पार्ट इज कि जितना ये कहा जाता है ना कि औरतें साथ में काम करें तो चिक चिक होगी, ये होगा, वो होगा, इट वॉजन लाइक दैट. इट वॉज ग्रेट. आई मेड सम रियली ग्रेट फ्रेंड्स. आई एम नॉट द मोस्ट सोशल पर्सन बट मेरा बहुत अच्छा टाइम वहाँ पे गुजरा है. आई एम स्टिल इन टच विद अ लॉट ऑफ पीपल. फिर एक दिन मेरी एक दोस्त कहीं और जो काम, शी वर्क से डाल कर, शी मैसेज्ड मी एंड शी सेड कि अगर किसी को जानती हो जो कि रिलोकेट करने में इंटरेस्टेड हो और कोई फैशन डिज़ाइनर हो तो बांग्लादेश में देर इज़ अ फर्म, वो लोग ना ढूंढ रहे हैं. तो अब मैं जिस तरह की हूँ बाई नेचर, मुझे होता है कि कोई भी नई चीज़ दिखे ना कूद जाओ करके देख लो क्या होता है. ये बहुत बड़ी बात है. इट्स रियली एक्साइटिंग फॉर मी. कुछ भी नया, ठीक है. मैंने कहा मेरा नाम, मैंने कहा मैं अपनी सीवी दे दूँ, तो कहती है हाँ वाई नॉट ट्राई कर लो. एंड मैंने अपना सीवी दिया एंड अ लॉट ऑफ पीपल हैड अप्लाइड फॉर इट. इंटरव्यू हुआ, उनसे बातचीत हुई, उन्हें पसंद आया. इट वॉज ऑनलाइन, इट वॉज ऑल ऑनलाइन. एंड दे वर लाइक ठीक है आ जाओ. I was like, ठीक है. एंड मैंने बिल्कुल आंखें बंद करके छलांग लगाई थी, लिटरली. आई डिड नॉट नो देम. कब की बात है? ये है 2022. होल्ड ऑन, लास्ट ईयर. मैं अभी कौन सा साल चल रहा है? 2023 या 2021 का एंड. ओके. अराउंड अक्टूबर. मैंने कहा ठीक है, बट आई वाज टोल्ड कि आपके ना वीजा में टाइम लगेगा तो आप अभी वेट करना, अभी रिज़ाइन वगैरह मत करना. मैंने कहा ठीक है देखा जाएगा. मैंने बस छलांग लगा थी, ना मैं वहाँ किसी को जानती थी ना मैं इनको ज़्यादा अच्छे से जानती थी. आई जस्ट वांटेड एन एडवेंचर. एंड एडवेंचर इन बांग्लादेश, इंटरेस्टिंग. एडवेंचर एनी वेयर. मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि मैं बांग्लादेश जाने का सोचूंगी भी. बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश से मिले और ये बंदे को वेकेशन पे भी जाना, तो यार यूरोप जाओ. बांग्लादेश सोच ही नहीं सकता इंसान. हमारे यहाँ तो ये सोच रहा है कि यार बांग्लादेश, लेकिन अब बांग्लादेश जो है ना वो बांग्लादेश हो गया, विच इज गुड, विच इज अमेजिंग. और उसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं. बिल्कुल. अब मुझे बताओ कि जो वीजा लगवाया है उसका मैं प्रोसेस थोड़ा सा समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना आसान नहीं है. कि मैं एज अ पाकिस्तानी आई रियली वॉन्ट टू गो टू बांग्लादेश बाय द वे, ठीक है, जस्ट जाने के लिए, देखने के लिए. थोड़ा बहुत हिस्ट्री का भी और कुछ समझ आएगा, जो हम लोग बातें यहाँ पर कर रहे थे वहाँ जाकर थोड़ा सा फैक्ट चेक भी क्लियर होगा कि यार हम लोग यहाँ बात कर रहे थे तो वहाँ सच क्या है, ठीक है. बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी. देन उनका, उनके कल्चर के बारे में, हमारा एक ही रीजन है तो आई रियली वांट टू नो एवरीथिंग अबाउट देम. सीधी सी बात है. तो ढाका जाने का मेरा बड़ा दिल करता है लेकिन मैं जा नहीं सकता. मुझे लगता है कि शायद विजिट वीज़ा अभी खुला नहीं है, है नहीं, तो तुम्हें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी इस चीज़. सो द थिंग इज़ के इफ़ यू आर अप्लाइंग थ्रू अ कंपनी, अगर आपको वहाँ से जॉब मिली है. अब ढाका में बहुत पाकिस्तानी है बिकॉज पाकिस्तान से बहुत लोग हायर करते हैं, स्पेशली इन द टेक्सटाइल एरिया. पाकिस्तान का टेक्सटाइल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, बांग्लादेश का टेक्सटाइल इज़ ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग. वो लोग एक्सपोर्ट में बहुत आगे हैं. आई डोंट हैव नंबर्स सो आई कॉन्ट टेल हु इज़ फर्दर अहेड, बट वन थिंग इज़ अ फैक्ट कि वहाँ के लोगों को यहाँ के टेक्सटाइल्स का एहसास है कि हमारा टेक्सटाइल एंड फैशन बहुत अच्छा है, हमारे पास कपड़ा अच्छा है, हमारा स्किल सेट बहुत स्ट्रांग है. तो बेसिकली स्किल सेट के लिए, हाँ, जो फैशन एंड टेक्सटाइल का स्किल सेट है ना वो पाकिस्तान का काफ़ी स्ट्रांग है एंड बांग्लादेश को एहसास है इस बात का और वो पाकिस्तानी इसको इसीलिए हायर करते हैं. एक एस्थेटिक भी होता है जो कि पाकिस्तान का काफ़ी स्ट्रांग है और मुझे इसका मजीद एहसास वहाँ जाकर हुआ है. यहाँ तो अपने में ही होते, अपनी चीज़ की कदर तभी आती जब उससे दूर जाते हैं. बेशक, बेशक. तो वहाँ पे एक्सपोर्ट का सीन बहुत ज़्यादा है, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, टॉवल्स हो गए, बेडशीट्स हो गए, ऑल ऑफ दोज थिंग्स. बट जब आप लोकल में आते हो ना तो देर आर्ट टू मैनी ब्रांड्स लोकल जो कि पाकिस्तान के लेवल की चीज़ अपने लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं. बेसिकली गैप है जो कि बहुत आसानी से फिल हो सकता है, बहुत बड़ा गैप है और वो पीपल आर लुकिंग इन टू फिलिंग दैट गैप जो कि शायद पाकिस्तान में 15 साल पहले था. और ब्रांड्स लाइक सना सफिनाज एंड खाड़ी, एथनिक रिसेंटली फॉर इंस्टेंस, ये सब जो उभर के आए हैं. वेस्टर्न ब्रांड्स में आउटफिटर्स भी हैं एंड देन फ्यूरर, बहुत सारे ब्रांड्स एकदम से ऊपर आए हैं एंड दे आर टेकिंग ओवर द वर्ल्ड. बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी, अमेजिंग. मैंने कभी नहीं सोचा था मैं चाहूंगी कि मैं पाकिस्तान आके शॉपिंग करूं. खाड़ी की बड़ी डिमांड है यार बाहर, बहुत साउथ एशिया में, पूरे साउथ एशिया में
पाकिस्तानी Hardy has revamped like crazy in the last few years and it has taken over the world. Like मैं कभी नहीं सोच सकती मैं कमीशन वाले खरीदूंगी. मैं पहनती भी नहीं थी इतनी. अब मुझे अच्छा लगने लगा कमीशन वाले पहनना because it's fun shopping for it. पहले सिर्फ अम्माएँ लेती थी, बाजियाँ लेती थी. बाजियों से मेरा people who are a little लाइक 30+ कह लो, बैंक्स में काम कर रहे हैं एंड यू नो आपको अपने एटमोसफेयर के हिसाब से रहना. आप फैशनेबल होने के लिए कमीशन वाला नहीं पहनते थे. फैशनेबल होने के लिए आपको वेस्टर्न क्लोथिंग करनी पड़ती थी. या आई मीन मोस्टली यस. अब द यू अब इस तरह के अब ब्रांड्स आर लुकिंग इन टू दैट. Hardy फॉर इंस्टेंस, आई वेयर अ लॉट ऑफ Hardy. आई एम वेयरिंग Hardy राइट नाउ. ओके. बिकॉज इट्स यंग, इट्स फन. आई नो आई विल लुक माई एज वेन आई वेयर इट. And they have made it very cost friendly, pocket friendly. तुमने काम किया हुआ है इसी वजह से तुम्हें इतनी knowledge है इसकी. लेकिन बाकी भी brands हैं जो कि इसी तरह से काम कर रहे हैं. I think और कौन से brands हैं? Ego, Ethnic. Ethnic, Ethnic. आज ही I was at the mall during the day. Amazing stuff, but not very pocket friendly. Compared to Ethnic, I bought like 10 more clothes at Hardy. Okay. Alkaram भी है, but I'll be very honest, Hardy beats it all. I'm going to say that again. Hardy beats it all. Perfect. Yeah. Zabardast.